क्या करना भाई? अपने को सीखना है। एग्जाम में दो स्टेशन भी पार्ट बनता है और विदर्स भी पार्ट बनते हैं। तो हमने जो चीज सीखनी है वो दोनों का मिक्सचर सीखना। आज की क्लास का सिर्फ यही मकसद है कि हमने ये बात सीखनी है। मेरे पास ऑप्शन नहीं, गिवन है, पर मेरे पास फिर भी आंसर है। ये बात सीख के दोनों में पॉजिटिव चाहिए, दोनों में नेगेटिव चाहिए, दोनों में एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव चाहिए, या नेगेटिव और पॉजिटिव चाहिए? मेरा क्वेश्चन है कि आपको दोनों में पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, या नेगेटिव पॉजिटिव? नेगेटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, या नेगेटिव पॉजिटिव? नेगेटिव पॉजिटिव। आवाज नहीं है। नेगेटिव पॉजिटिव। हां जी, नेगेटिव पॉजिटिव। नेगेटिव एंड पॉजिटिव? यस सर। कौन-कौन ऐसा करता है? नेगेटिव पॉजिटिव। थर्ड टाइम कौन सी मिली? आवाज नहीं आई। मुझे एक बात तो पता लगी कि इस पिलर में और इस पिलर में कैसे वर्ड आएंगे? दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स हैं। दोनों में सिनोनिम्स नहीं आ सकते, दोनों क्या आएंगे? एंटोनिम्स। अब ये पता लगाना था कि यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, या यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव। यहाँ अलूफ नेगेटिव वर्ड
पहला ऑप्शन है इनविगोरेट मल्टीफेरस, कन्वीवियल ग्रीगेरियस, रेटिसेंट आउटगोइंग, एक्सट्रोवर्ट टेसिटॉन, डिट्रीमेंटल एंड बेनिगोलेंट। हाँ जी थर्ड पूरी क्लास सबका आंसर नहीं आया। मैंने कहा था तुक्के पहले ही बता दिया था, मैंने तुक्के सबने मार लिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी तुक्के मार रहे हैं तो थर्ड बता दें, टेंशन ही ना लो, थर्ड का आंसर है ही और बता दो दूसरा। हाँ जी अब आज चाहिए मुझे फर्स्ट के साथ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ आप लोग आंसर को नहीं पहचान पा रहे। क्या एक्सट्रोवर्ट और कैसिकम दोनों एंटोनिम्स हैं? दोनों सिनोनिम्स हैं। एक्सट्रोवर्ट और टेसिटन दोनों एंटोनिम्स हैं। एक्सट्रोवर्ट और टेसिटन दोनों एंटोनिम्स हैं और दोनों फिलर में मेरे को दोनों एंटोनिम्स चाहिए थे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चाहिए था और ये दोनों थे। In a large group of strangers, Ash. पहला नाम क्या लिखा है? Ash. पहला नाम क्या लिखा है? Ash. पहला नाम लिखा है Ash. Ash किसी का नाम? Ash किसी का क्या है? नाम. और किसका नाम है? किसी लड़की का. ये शीर से पता लग रहा है. In a large group of strangers, Ash offered dash and aloof. ये क्या लिखा है? लिखा है आलू। क्या लिखा है? आलू। आलू क्या लिखा है? आलू। आलू एक ऐसी सब्जी है जो किसी भी सब्जी के साथ मिक्स हो जाती है, होती है या नहीं होती? आवाज ही नहीं है, ये हमें भी हो जाती है। आलू एक ऐसी सब्जी है, पीजी वालों से पूछो भाई साहब पेंटिंग में आलू डल गया कि ये में आलू डल किस में नहीं डला, पीजी वाले हम पूछ के तो जो लोग पीजी में रहते हैं उनको पता है जब सब्जी कम पड़ रही हो दाल भी कम पड़ता है ना, दाल में भी आलू डलता है, ठीक है। तो आलू एक ऐसी सब्जी, आलू मटर आलू शिमला गोभी कई कई गुजार, आलू एक ऐसी सब्जी है जिसको आप आलू नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते? अंदर तक अलग नहीं कर सकते। आलू का मतलब होता है अनफ्रेंडली, आलू का मतलब क्या होता है? आवाज ही नहीं है, आवाज कम है। आलू का मतलब क्या होता है? अलूफ माने अनफ्रेंडली, तो कह रहे आलू एक ऐसी सब्जी है जिसको आप अलूफ नहीं कर सकते, अनफ्रेंडली। तो यहाँ पे भी वर्ड कौन सा चाहिए? पहला वर्ड देखो, कल परसों दो चार दिन पहले किसी आर्टिकल में पढ़ा था इनविगोरेट, पढ़ा था क्या? क्या था इनविगोरेट? इनविगोरेट होता है किसी के अंदर एनर्जी फूंक देना, इनविगोरेट का मतलब होता है किसी के अंदर एनर्जी फूंक देना, ठीक है। तो एनर्जी फूंक देना ऐसा तो कुछ वर्ड आ ही नहीं सकता पहली बार, मतलब सीधे से एलिमिनेट कर सकते थे आप इस ऑप्शन को, लोग सोच रहे थे पहला आंसर हो सकता है मल्टी फेरस का मतलब होता है मल्टी माने मैनी, फ्लेयर माने करना, ओइबस माने है, मल्टी फेरस होता है मल्टी टैलेंटेड, एक साथ जो कई टाइप के काम कर सके उसको बोलते हैं मल्टी फेरस, मल्टी टैलेंटेड। मल्टीफेरस क्या होता है? आवाज ही नहीं आई, मल्टीफेरस। फिर वर्ड आया कॉन्विवियल, कौन सा वर्ड आया? कॉन्विवियल। आवाज ही नहीं आई, कॉन्विवियल का मतलब होता है फ्रेंडली, एल माने रिलेटेड टू वी माने लाइक, कॉम माने टुगेदर, कॉन्विवियल होता है फ्रेंडली, जिसको साथ में लाइफ जीना पसंद हो, दूसरों के साथ लाइफ जीना पसंद हो जिसको, उसको बोलते हैं कॉन्विवियल फ्रेंडली।
क्या यहाँ पे फ्रेंडली वर्ड आ सकता? नो सर। आवाज ही नहीं आई? नो सर। एलिमिनेट कर दूँ? यस सर। ग्रीगेरियस भी होता है फ्रेंडली वर्ड, कॉन्विवियल और ग्रीगेरियस दोनों सिनोनिम। कॉन्विवियल और ग्रीगेरियस दोनों सिनोनिम है, दोनों का मतलब है फ्रेंडली। फिर वर्ड आया रेटिसेंट, क्या वर्ड आया? रेटिसेंट होता है अनफ्रेंडली, कम बोलने वाला। अलूफ का सिनोनिम है रेटिसेंट, किसका सिनोनिम है? अलूफ। आवाज ही नहीं आई? अलूफ का। क्या मुझे अलूफ का सिनोनिम चाहिए ना? एम से लगे चाहिए था क्या? यस सर। दूसरा वर्ड है आउटगोइंग, क्या वर्ड है? आउटगोइंग। आउट माने बाहर, गोइंग माने जाना, बाहर जाना, बाहर जाना। शी इज क्वाइट आउटगोइंग, she is quite outgoing। third पे बहुत सारे लोग आंसर डाल देते हैं, she is quite outgoing। मगर जो outgoing क्या मीनिंग होता है? बाहर जाना। outgoing का मतलब यूज होता है friendly। क्या मीनिंग यूज होता है? आवाज ही नहीं आई मुझे तो। क्या मीनिंग यूज होता है? friendly। क्या एक unfriendly और एक friendly? yes sir। क्या एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चाहिए था? yes, शायद मेरा ये आंसर हो सकता है, I'm not sure। और मैं तब तक श्योर नहीं होगा जब तक मेरे सारे ऑप्शन एलिमिनेटेड ना हो। अगला देखिए, एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट होता है फ्रेंडली, कैसे टर्म होता है अनफ्रेंडली? क्या दोनों एंटोनिम्स हैं? कैसे टर्म इनका सिनोनिम हो गया रेटिसेंट का? ये सारे सिनोनिम हो गए, रेटिसेंट, अलूफ, रेसिडेंट। एक्सट्रोवर्ट इनका सिनोनिम हो गया कॉन्विवियल, ग्रीगेरियस, आउटगोइंग और एक्सट्रोवर्ट। ये चारों सिनोनिम हो गए। क्या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वर्ड है? यस सर। आवाज ही नहीं आई? यस सर। क्या ये आंसर हो सकता है? नो सर। हो सकता था अगर इनकी पोजीशन चेंज, यहां पे रेसिडेंट होता और यहां पे एक्सट्रोवर्ट, लेकिन ऐसा नहीं है। और ऐसा नहीं है तो मेरा ऑप्शन अगला डेट्रिमेंटल, हार्मफुल। डेट्रिमेंटल क्या आता है? हार्मफुल। तो वो स्ट्रेंजर्स के बीच में बड़ी हार्मफुल हो जाती है, आपका राम नाम हो जाती है, आप फिर मालूम नहीं है ऐसा क्या माता आ जाती है उसमें। ठीक है, बेनिवोलेंट होता है काइंड और अपने दोस्तों के बीच में, हालांकि दोनों एंटोनिम्स थे लेकिन सेंटेंस में सेंस नहीं गए। और दूसरी बात, मुझे इस बैनी का मीनिंग पता होना चाहिए। बैनी का मतलब होता है अच्छा, बैनी का मतलब क्या होता है? अच्छा। बैनी माने बेनिफिट बनता है इसी वर्ड से, तो बैनी जहां भी आ जाए वहां पे अच्छा मीनिंग है। बट मेरा आंसर नहीं है, तो मेरा आंसर कौन सा है? मेरा आंसर है थर्ड ऑप्शन। क्या चीजें चेक हो रही है? क्या चीजें चेक हो रही है? सबसे ज्यादा इन्हीं दोनों चीजों पे फोकस करना है, पहली चीज एलिजिबल और दूसरी चीज कॉम्प्रिहेंशन। दूसरी चीज क्या है? कॉम्प्रिहेंशन। और अगर 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 मैं आपको दिखाना चाहूँ ना, टोटल 10 ऑप्शन, कितने ऑप्शन है? ये क्या है? फर्स्ट वर्ड देखना, फर्स्ट वर्ड लेटर, फर्स्ट आई, फर्स्ट लेटर सी, फर्स्ट लेटर ई, फर्स्ट लेटर ई। तो 10 में से भी तीन वर्ड बोले किसको, किसके दिखाई दे रहे हैं? किसके दिखाई दे रहे हैं? याद होगा स्पाइस? यस सर। तो ये स्पाइस सबसे कम ज्यादा काम की चीज है। ठीक है जी, बढ़ते हैं आगे। मैंने तीन टाइप सीखी, कौन कौन सी? ऑलरेडी इफेक्ट। हाँ जी, सबसे पहला काम क्या है मेरा? क्या ढूंढना? ट्रांजिशन वर्ड। ट्रांजिशन वर्ड मिल जाए तो ट्रांजिशन वर्ड मिल जाए तो टाइप पता लग जाएगा। टाइप पता लगते ही मुझे ये बात समझ में आनी चाहिए कि पॉजिटिव वर्ड चाहिए या जहां मेरे को एक बात समझ में आ गई पॉजिटिव या नेगेटिव चाहिए वहां पे मेरे रूट वर्ड्स भी काम आते हैं या नहीं आते? भाई कहीं पर मेरे को वर्ड चाहिए एम्प्टी, कोई खाली वर्ड चाहिए, कैसा? एक वर्ड आया जिसमें पीछे लिखा हुआ फुल, क्या ये आंसर हो सकता है? आवाज ही नहीं। एक वर्ड आया जिसमें पीछे लिखा हुआ OUS, क्या ये आंसर हो सकता है? मेरी हर चीज काम में आएगी
अगर मैं काम लेना चाहूं तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे। स्पाइडर्स पॉजिटिवली प्रिमिटिव लाइफस्टाइल द ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिन्स हैव डेवलप Despite the supposedly primitive lifestyle, the Australian Aborigines have developed the boom leg, a dash and dash hunting tool. Which maximizes results with minimum. ऑप्शंस नहीं है आंसर भी ऑप्शंस नहीं है आपके पास मुझे आंसर चाहिए तो बताओ हार्मफुल ठीक है पहले तो मेरे को ये बताओ दोनों वर्ड कैसे होंगे क्या दोनों सिमिलर होंगे पक्का सबको पता ये बात सबको पता है अच्छा अब दोनों वर्ड सिमिलर होंगे ये तो पता लग गया दोनों सिनोनिम काइंड ऑफ होंगे या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव मेरा क्वेश्चन है दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव से जवाब दे इसको देख लेना सेंटेंस की स्टार्टिंग की है मैंने एक ट्रांजिशन वर्ड से और जो ट्रांजिशन वर्ड कहता है क्या कहता है आबादी नहीं ट्रांजिशन वर्ड अपने आप को डिस्पाइट होता है दोनों वर्ड पॉजिटिव या दोनों वर्ड नेगेटिव पॉजिटिव दे दो ऑप्शन दे दो मतलब पहले तो मैंने आपको एक बात सिखाई थी आपको पता लगना चाहिए मेरे को नहीं पता दोनों पॉजिटिव नहीं है नेगेटिव नहीं है आपको पता मैंने आपको सिखा दिया था अब ऑप्शन से चलते हैं जो कहोगे मैं बता
दिखाई दे रहा होगा और भी टेबल पहला ऑप्शन है क्लीन एंड डायनेमिक, दूसरा है डेंजरस एंड फॉर्मिडेबल, तीसरा है यूजफुल एंड इफेक्टिव, फोर्थ है चीप एंड इफेक्टिव, फिफ्थ है गुड एंड एफिशिएंट। हाँ जी, सेकंड, थर्ड, सेकेंड आ रहा है, थर्ड आ रहा है, फिफ्थ आ रहा है, तीन ही ऑप्शन। सेकेंड के साथ कितने चल रहे हैं? सबसे आंसर चाहिए भाई, टू का समय मांग, ठीक है। थर्ड के साथ, थर्ड मैक्सिमम थर्ड के साथ है, फिफ्थ के साथ
ඇත් ඇයි අපි කොම පොසිටිව් වන්නේ ග්‍රීන් වන්නේ සාම් සුත්‍රා ඔර් ඩයිනමික් මොන ඩයිනමික් වන්නේ චේන්ජ් ඩයිනමික් ඔකන සිචුවේෂන් එක ගොඩින් චේන්ජ් කරලි සහි ہے یار یہ تو لیکن سینٹنس کی سینس کے دونوں پوزیٹیو ورڈ تھے لیکن سینٹنس کی سینس کے اکارڈنگ بالکل ٹھیک ہے ایلیمینیٹ پھر ڈینجرس اینگل کومیڈی کا ہنٹنگ ٹول ڈینجرس ہے صحیح تو ہے ڈینجرس ہوگا ان کے لیے جس کا شکار ہو رہا ہے ایسا ورڈ چاہیے کومیڈی رول کیا ہوتا ہے formidable to the dangerous dangerous and dangerous to yes dangerous and dangerous to sahi to hai ye useful and effective yes sir sahi hogi darali is pe aake atki na yes formidable pe nahi hogi atki thi wo isliye atki thi kyunki formidable ka meaning nahi pata tha bhai sab naan wala ke laga le rahe the theek hai na sir ne naam bhi aisa karwaya tha useful and effective a useful tool bahut acha option effective usse bhi acha option main isko chhod ke jata hu वैसे अभी नहीं अगले पे cheap and effective cheap se sasta banaya aur effective hai cheap thoda sa negative cheezon ko denote karta hai main isko eliminate kar sakta do option bache good and efficient useful and effective इफेक्टिव का मतलब क्या है इफेक्टिव का मतलब क्या होता है अरे इफेक्टिव का मतलब होता है प्रभावशाली जिसमें स्किल स्किलफुल का टाइम में काम पूरा करना जो टाइम में काम को पूरा करना वो जी इफेक्टिव या वो एफिशिएंट है एफिशिएंट होता है जो टीम को पूरा करता है इफेक्टिव कोई ऐसी चीज होती है जिसका पर्पस कंप्लीट हो जैसे अभी क्लास में बैठे एक घंटा हो गया अब सीखा एक अक्षर नहीं मान तो क्या क्लास इफेक्टिव है सवाल ही नहीं है लेकिन क्लास में आए सीखने कि पिलर्स को कैसे किया जाए और दो चार बातें ऐसी सीखी जिनसे यस हमें कुछ हेल्प मिलने वाली है तो क्या क्लास इफेक्टिव थी इफेक्टिव वो चीज होती है जिससे जो आउटपुट लेना हो वो आउटपुट मिल जाए इफेक्टिव वो चीज होती है जिससे जो आउटपुट लेना हो आउटपुट मिल जाए अब मेरे पास आ गए इंग्लिश सीखने मैंने सिखा के भेज दी पॉलिटिक्स क्या क्लासरूम इफेक्टिव था क्या क्लासेस इफेक्टिव थी बिल्कुल नहीं ठीक है लेकिन इंग्लिश सीखने आए और मैंने चाहे इंग्लिश में थोड़ी सी बातें सिखाई लेकिन सिखाई सारी इंग्लिश की और काम भी आने वाली है तो क्या क्लास इफेक्टिव थी क्लास इफेक्टिव थी इफेक्टिव तो ये होता है जिसका आउटपुट अच्छा दूसरा वर्ड क्या है हमारी एफिशिएंट का सफिशिएंट होता है एफिशिएंसी वर्ड सुना सबने एफिशिएंसी मशीन की एफिशिएंसी होती है क्या होती है एफिशिएंसी एफिशिएंसी होती है कि आपने कितने एफर्ट्स लगाए और उस पे कितनी आउटपुट है फॉर एग्जांपल मैं सोच के आया कि एक घंटे में ना आज आपको 10 फिलर्स करवाऊंगा कितने फिलर्स सोच के आया और मैंने करवाए एक घंटे में सिर्फ 5 तो मेरी एफिशिएंसी क्या है मेरी है 50% मेरी एफिशिएंसी क्या है 50% मैं सोच के आया 5 करवाऊंगा 5 करवा लिए एफिशिएंसी क्या है आवाज नहीं आई मैंने सोचा था 2 घंटे में 5 फिलर करवाऊंगा मैंने तो सवा घंटे में खत्म कर दिए एफिशिएंसी क्या है 100 से भी 5 तो यस एफिशिएंसी मशीन्स की 100% से भी ज्यादा हो सकती है मशीन के आउटपुट सोचिए कि एक मशीन 1 घंटे में 100 यूनिट बनाएगी उसकी स्पीड बढ़ा दी 200 यूनिट ले ली 1 घंटे में वो अलग बात है कि थोड़े टाइम बाद वो चलनी बंद हो जाएगी लेकिन एक बार जब स्पीड बढ़ा के 200 यूनिट्स ले ली वो अलग बात है शायद क्वालिटी डाउन हो जाए कुछ भी हो जाए लेकिन एफिशिएंसी कितनी होगी उसकी उसकी डबल कोई नहीं हुई इफेक्टिव और एफिशिएंट का डिफरेंस समझ में आया यस
इफेक्टिव होता है जिससे आउटपुट मिले, एफिशिएंट होता है जिससे आउटपुट मिले, और एफर्ट्स मिनिमम होते चले जाए। एफर्ट्स कैसे होते चले जाए? आंसर अगर मैं ये सेंटेंस इतना होगा, यहां तक होगा, थर्ड मीटिंग का फिफ्थ मीटिंग, थर्ड एंड फिफ्थ को अलग किया इसने, इसने लिख के दिया क्या, विच मैक्सिमाइजेस रिजल्ट, जो रिजल्ट को तो क्या करते हैं, और एफर्ट्स कितने लगवाए, चीज क्या होगी, इफेक्टिव या एफिशिएंट, एफिशिएंट आवाज ही नहीं आई, एफिशिएंट आंसर इज गुड एंड एफिशिएंट। बात समझ आती है, आवाज नहीं आई, yes, सबको समझ आई, yes, सबको समझ आई, yes, एक और टाइप होती है फिलोसफी जिसको ना नाम दिया जाता है रीइटरेशन, क्या नाम दिया जाता है, रीइटरेशन, आवाज ही नहीं आई, रीइटरेशन। अब ये जो रीइटरेशन है ना, और कुछ नहीं है एक्चुअल में, ये सिमिलैरिटी है। रीइटरेशन का मतलब क्या होता है, उसी बात को रिपीट दोहराना, रीइटरेशन का मतलब होता है दोहराना। अगर एक बात को दोबारा से लिखा गया तो क्या वो सिमिलर बात बता रहा है, आवाज ही नहीं है, तो एक्चुअल में फिलर्स को हम इन्हीं तीन टाइप में रखते हैं, या तो कॉजल इफेक्ट, दूसरा सिमिलैरिटी, और तीसरा कॉन्ट्राडिक्शन। और मुझे फिलर्स की पहचान किससे होती है, ट्रांजिशन वर्ड से। एक बात बताओ, उस दिन हमारे पास एक वर्ड लिखा था दो, क्या दिखाई दिया था, दिखाई दिया था, सब सबकी वहां पे जाके गाड़ी अटक गई, दो वर्ड टी एच ओ यू जी एच, दो किस चीज को डिनोट करते हैं, आवाज ही नहीं आई, कॉन्ट्रडिक्शन। अगर सारी बात ऊपर नेगेटिव चलती आ रही थी, दो दिखने के बाद पॉजिटिव चाहिए थी या नेगेटिव थी, आवाज ही नहीं आई, पॉजिटिव चाहिए थी, इसीलिए तो हमने वहां पे शायद अनमिस्टेकेबली कुछ ऐसा ऑप्शन दिया था ना, कुछ समझ में आया, आवाज ही नहीं आई। यस सर, किस तरह से करते, क्या तरीका है फिलर्स को करने का, ऑप्शंस को फिट करना, या ऑप्शंस को एलिमिनेट करना, एलिमिनेशन इज द की। इंग्लिश के अंदर जब तक एलिमिनेशन करना नहीं सीखोगे, तब तक चीजें गलत होती रहेंगी। टाइम कम होता है, लेकिन अगर एलिमिनेशन की हैबिट बनाओगे ना, तो कम टाइम में आप इफेक्टिव हो जाओगे या एफिशिएंट हो जाओगे, कम टाइम में इफेक्टिव हो जाओगे या एफिशिएंट, दोनों हो जाओगे। इफेक्टिव इसलिए क्योंकि आउटपुट अच्छा रिजल्ट आएगा, और एफिशिएंट इसलिए क्योंकि कम टाइम में मिले, ठीक है जी। एफर्ट कम करके फिट भी करके देर करके सारे एक बात एक ही बहुत ही चलेगी, बहुत ही पता लगती है, ये बात अंतर सामने आ जाएगी। जितने भी आपने टेस्ट पर फिलर सकते उनको सबको करके, ठीक है जी। जनता जी, yes, फिलर्स के ऊपर कहानी इतनी थी आज के लिए, थैंक यू क्लास।